बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बड़े वाले जो पंपकिन होते हैं ना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में पेठा कहते हैं, पेठा बनाने की तरकीब आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे कि मैं कैसे पेठा बनाती हूँ। ये जो सबज सबज ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ये प्याज वाले पीछे वाले जो होता है ना हिस्सा, वो है ग्रीन वाला। इसमें सबज मिर्च जाएगी, लहसुन होगा, अदरक होगा, बाकी जो नमक मिर्च डेली के रूटीन में होते हैं खाने में, वो आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं ये पेठा, पाँच लोग तो इस पेठे को मीठा भी बनाते हैं, हम मीठा भी बनाते हैं और ये सालन भी बनाते हैं, तो आज आपको मैं सालन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। आइए फिर देखते हैं। इसको पहले लहसुन अदरक को और सबज मिर्च को पीस लेंगे। ये लहसुन कूट लूँगी, अब ये निकाल लेंगे। तो लहसुन सारा निकाल के ना, अब इसमें अदरक जो है ना वो हमारी, उसकी कुटाई करेंगे। ये आप कूट लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करें। ये मेरा अदरक हो गया, अब इसको निकालूंगी। अदरक लहसुन इकट्ठा। अब ये सबज मिर्चे हैं, ये मैं काट के भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पीस के इस्तेमाल करती हूँ ऐसे, इसलिए कि बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें। जब बंदा काट के खाता है तो बच्चे निकालते रहते हैं, ऐसे जायका भी बहुत मज़े का आता है। ऐसे कूट के डाला करें ना, तो देखें कैसी अंडे शीरी वाली बनती हैं। मैं पकाती हूँ तो सब पूछते हैं कि आपने कैसे बनाए, हमें भी बताएं। तो ये कूट के मैं आपको फिर आगे का दिखा। ये मैंने प्याज ऊपर रखे हुए हैं काट के, और फिर मैंने इसमें घी डाल दिया था कि जितना हो जाए अच्छा, जल्दी हो जाए। थोड़ा सा चूल्हा मैंने आहिस्ता किया था, तेज़ कर लेती हूँ। ये फ्राई हो गया है, कम से कम इतने करने चाहिए। अब इसमें मैं वो जो मैंने पीसा था लहसुन अदरक दोनों है मिक्स है, इसमें डाल दूँगी। अब ये तकरीबन मेरा भून चुका है लहसुन अदरक और प्याज घी में। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसलिए कि लाल मिर्च जब अंदर जाती है ना हांडी में गरम घी के अंदर, तो वो जल जाती हैं। जलाना तो नहीं है ना सालन, थोड़ा सा और। अब हो गया, अब इसमें मैं लाल मिर्च डालूंगी। सारे मसाले हैं, डले हुए अदरक, नहीं सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, बड़ी मिर्च, बस एक चम्मच, थोड़ी सी और लेनी है तो इतनी सी, मीठा होता है ना ये। एक चम्मच इतना नमक, ये हमारा हो जाएगा
चाप अच्छी तरह से भून जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं बड़े वाला कद्दू जो हम पेठा कहते हैं अपनी जुबान में, ये डालूंगी। ये काटना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से जो इसके छिलके होते हैं, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। अब ये मैं मिक्स करूँगी, इसमें पानी निकलता है थोड़ा, जब खुद ये छोड़ देता है कद्दू, थोड़ा सा ना तेज़ चूल्हा हो, आप तेज़ बिना इसको भूनना है इसको। हरी मिर्च जो मैंने आपको बताई है कुटिया में, ऐसे सब्जी में मिक्स हो जाती है। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको ढक्कन दे देंगे, ऊपर इसको ढक्कन से ढाँक देंगे और इसकी जो भाप होगी ना उसके अंदर ही इसको गलाएंगे और ऊपर से कुछ नहीं डालेंगे, पानी से कुछ नहीं डालेंगे। 10 मिनट के बाद आपके पास आती है फिर दोबारा। ये मैं डालने लगी, ये कच्ची से ऊपर डालेंगे। ये मैं पहले डाल चुकी हूँ, मुझे याद आएगा मैंने आपको दिखाना था। ये वो तैयार हो गई, कैसा लग रहा है? धनिया है, ये थोड़ा सा लेमन सजावट के लिए, और मैंने अपने प्यारों के लिए ये फूल भी रखा है। ये मेरी डिश थी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।